जिंदगी और हौसले की बेमिसाल तस्वीर आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीर है। एक नेता कभी कभी कितना गैर जिम्मेदार हो जाता है, उसकी वानगी है यह तस्वीर। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे देश में कभी कभी दंगे होते नहीं बल्कि नेताओं की वजह से भड़काए भी जाते हैं। मुजफ्फरनगर में लड़कियों की छेड़छाड़ की शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई और कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए ये कानून और पुलिस तो बाद में तय करेगी, पहले नेता तय करेंगे। कार्रवाई कैसी हो इसका निर्देश देते एक नेता जी वायरल हुए हैं। सुनिए क्या कहा है नेता जी। हम तो चाहते हैं अगले एक घंटे लगातार लाठी बटू एकदम खड़े होकर लाठी थी। सुना आपने कितने गुस्से में है नेताजी कि उन्हें कहना पड़ा कि जब तक एक घंटा हम यहाँ बैठे हैं गिरफ्तार किए गए लोगों पर लाठियां बचनी चाहिए। जिनकी जुबान से वायरल वचन निकल रहे हैं वो बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक है। बुढ़ाना में हुए तनाव के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान भी बाजू में विराजमान है। सांसद महोदय को मालूम है कि कब कहां और क्या बोलना है। लाठियां बजनी चाहिए वाली विधायक जी की पुलिस को दी जा रही नसीहत को पास खड़े मीडिया कर्मी कैमरे में कैद कर रहे थे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इशारों ही इशारों में विधायक जी को सचेत करते हैं कि चुप हो जाइए। तब जाकर विधायक जी चुप। विधायक तो चुप हो गए लेकिन कैमरे में कैद वीडियो और उनकी बातें अब शोर मचा रही है। मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का है जहां स्कूल जाने वाली छात्राओं का आरोप था कि एक समुदाय विशेष के लोग हर रोज छेड़छाड़ करते हैं। लड़कियों की शिकायत काफी दिन से आ रही थी। मामला दिन ब दिन बड़ा भी होता जा रहा था। घटना वाले दिन लड़कियों के परिवार वालों की मंचलों ने पिटाई भी कर दी जिसके बाद मौके पर पुलिस आ गई तो पुलिस पर पथराव हो गया। पुलिस ने मंचलों की गिरफ्तारी की। उन्हीं मंचलों के इलाज पर नेताजी उमेश मलिक ने ये बयान दे दिया। हम तो चाहते हैं अगले एक घंटे लगातार लाठी बटू एकदम खड़े होकर लाठी थी। हालांकि उमेश मलिक से जब इसी बारे में बाद में सवाल किया गया तो विधायक जी थोड़ा घबराए और हड़बड़ाए हुए नजर आए। मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में कहा कि लगभग हम चाहते हैं एक घंटे तक वहाँ जो वे थे आरोपी उन पर लाठीचार्ज हो, खड़े होकर लाठीचार्ज करवाने की बात है। ये क्या उनके 250-300 लोग थे, केवल नामजद हैं 7 लोग, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग उनको उनके पुलिस वालों के पीछे भाग रहे थे, जिन लोग प्रशासन को भगाने का काम किया, गाड़ियों के ऊपर प्रहार करने का काम किया, पत्थरबाजी करने का काम किया, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर संवेदनशील इलाकों में आता है ये विधायक महोदय अच्छी तरह जानते हैं लेकिन वोट बैंक की राजनीति में नेता भूल जाते हैं कि जिम्मेदार पद पर बैठकर उनके ये गैर जिम्मेदाराना बयान बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, इंडिया न्यूज।